नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर। SBI चौक से नकद 2.5 लाख रुपए उड़ा लिए। पिस्तौल के साथ मिला हमलावर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। युवक पर चाकू से हालत गंभीर हुई। महागांव तहसील के सवना में अज्ञात आरोपी द्वारा चाकू से हमला करने की घटना सामने आई है। इस मामले में महागांव थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। घायल युवक को सवान के ग्रामीण अस्पताल और बाद में यवतमाल में भर्ती कराया गया। गर्दन पर चाकू के घाव लगने से युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस पर हमला किया गया उसका नाम अक्षय कमालकर देशमुख है। अज्ञात युवक द्वारा चाकू से हमला से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वह सावन में बल्कि मंदिर के पिछले दीवार के सामने गंभीर रूप से घायल पाया गया। इस बात की जानकारी घायल के चाचा प्रवर्तक देशमुख को मिलने पर उन्होंने तुरंत वहां पहुंचकर उसकी खबर ली थी। घायल युवक को पहले सवान ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। SBI चौक से नगद 2.5 लाख रुपए उड़ा लिए। यवतमाल में घर खरीदने के लिए यवतमाल आए एक युवक की 2.5 लाख रुपए की नगद राशि अज्ञात चोरों ने उड़ा ली। सोमवार को दिन दहाड़े दोपहर 1 बजे शहर के भीड़भाड़ वाले स्टेट बैंक चौक में हुई। पीड़ित युवक का नाम शुभम वानखेड़े यावती तलगा और भाऊ लंगाव का बताया जा रहा है। वह घर खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए लेकर यवतमाल आया था। इसी दौरान स्टेट बैंक चौक में किसी ने उसे आवाज देकर कहा कि पैसे नीचे पड़े हैं। शुभम के दोपहिया रोतक की आरोपी उसके हाथ की थैली छीनकर भाग गया। इस घटना से उसे भारी झटका लगा। इस मामले में शुभम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यवतमाल शहर पुलिस थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की और अधिक जांच कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिस्तौल के साथ मिला हमलावर। नागपुर में पारडी पुलिस ने हत्या की अंजाम देने से जुटे युवक सहित 2 लोगों को पिस्तौल व कारतूस के साथ पकड़ा। आरोपी कैलाश शाहू गुलमोहर नगर गौरव उर्फ गौरी शंकर झंझाड़े ठौकर वाड़ी है। कैलाश हमारवाली करता है। उसे एक युवक से रंजिश थी। उसी की हत्या करने के लिए उसे गौरव से पिस्तौल कारतूस खरीद लिए। पुलिस ने पहले कैलाश को पकड़ लिया। गौरव और हिरासत में है। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का अभी भी केस दर्ज है। अब आप हमारे निशाने को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाइक ट्विटर कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।